गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस ऑफ क्यूरियसली एजुकेशन आज ट्वेंटी जनवरी ट्वेंटी टू है मैं हूं प्रशांत पामानी डियर फ्रेंड्स अगर आप अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव तरीके से करते हैं तो बाकी का दिन भी प्रोडक्टिव बन जाता है स्टार्ट टूडे विध क्यूरियसली पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन ऑल पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स आज हमारे टेबल के ऊपर है चार इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देन वी हैव न्यूज एमसीक्यू और आंसर राइटिंग क्वेश्चन दोस्तों हमारी दो चैनल्स हैं अभी जो आप देख रहे हैं दैट इज क्यूरियसली एजुकेशन एक है क्यूरियसली फॉर एवर क्यूरियसली फॉर एवर इज फॉर एवरी वन जो भी ऐसे क्यूरियस व्यक्ति हैं जो अलग अलग चीजों के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें जानना चाहते हैं तो क्यूरियसली फॉर एवर इज फॉर ऑल ऑफ यू आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हिट द लाइक बटन हमारी चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूले और इस वीडियो सीरीज को दूसरे स्टूडेंट्स तक जरूर पहुंचाइएगा आज का पहला टॉपिक है बी स्मार्ट नेटो नेटो यानी कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है ये जर्मनी के नेवी चीफ थे इन्होंने हाल ही में रेजिग्नेशन दिया है इनका नाम है वाइस एडमिरल के एहम स्क्वाइनबाग स्क्वाइनबाग जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था भारत में और ये चाइना के खिलाफ उनका एक स्टेटमेंट था उन्होंने ये कहा कि आज दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है वो रशिया नहीं चाइना है और इस स्टेटमेंट की वजह से फाइनली उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा अब यूरोप की बात करें तो यूरोप में एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन चल रही है हमें जनरली लगता है कि ये वॉर लाइक सिचुएशन जो है या तो वेस्ट एशिया में या फिर एशिया में है बट ऐसा नहीं है यूरोप में अगर आज हम देखें तो यूक्रेन और रशिया के बीच में टेंशन काफी ज्यादा है आपकी स्क्रीन के ऊपर यू कैन सी दिस इज यूक्रेन ये है यूक्रेन ये वाला जो पोर्शन है यह फिलहाल एक बहुत ही डेंजरस पोर्शन बन चुका है क्योंकि यह डायरेक्टली रशिया के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है और पता है यहां पर ये जो बॉर्डर है यहां पर लगभग एक लाख जितने ट्रूप्स यानी कि सोल्जर्स को रशिया ने डिप्लॉय कर दिया यहां पर सोल्जर्स जो हैं वो बिठा दिए हैं रशिया का कहना यह है कि यह तो एक प्रकार की सिर्फ विंटर एक्सरसाइज चल रही है एक प्रकार की मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो रशिया कर रहा है लेकिन पूरी दुनिया को बताया इट्स नॉट ए मिलिट्री एक्सरसाइज इट्स नॉट ए विंटर एक्सरसाइज थिंग्स आर वेरी वेरी सीरियस बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया स्कोनबैक ने यह भी एक स्टेटमेंट दिया था कि कीव जो है ये कितना कीव यानी कि कैपिटल ऑफ यूक्रेन ये कितनी भी कोशिश कितनी भी मेहनत क्यों कर ले उनको क्रीमियन पेनेंस्यूला कभी भी वापस नहीं मिलेगा दोस्तों 2014 की बात है जब ये वाला जो पोर्शन है क्रीमिया इसको कहते हैं ये यूक्रेन का पार्ट था 2014 में ये ईयर आपको याद रखना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुई थी 2014 में रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया यानी कि हड़प लिया क्रीमिया में रहने वाले लोगों की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे then you will find कि ये लोग ज्यादातर रशियंस जो है वो यूक्रेन में माइग्रेट होकर फिर क्रीमिया में रहते थे तो ज्यादातर यहां पर रहने वाले लोग जो है वो रशियन डिसेंडेंट के हैं रशियन डायसपोरा है आप कह सकते हैं लेकिन एनी मिलिट्री पावर से अपनी यू नो मिलिट्री शक्ति को प्रदर्शित करते हुए रशिया ने 2014 में इस रीजन को यूक्रेन से हड़प लिया एंड यहाँ पर जो स्क्वाइन बैक हैं वो राइट है कभी भी रशिया जो है वो वापस ये वाला पोर्शन यूक्रेन को नहीं देखा तो इसका अगर सपना भी देख रहे हैं तो दैट इज़ अनरियलिस्टिक सपना जैसे मैंने आपको बताया रशिया ने एक लाख जितना ट्रूप यहाँ पर ऐड कर दिया है अब लगता है कि कभी भी यहाँ पर इस रीजन में कभी भी वॉर हो सकता है वॉर इन सेंस के रशिया कभी भी यूक्रेन के ऊपर एक फुल स्केल जो है वो चढ़ाई कर सकता है क्योंकि रशिया ने तो अपनी तरफ से पूरी प्रिपरेशन जो है वो कर ली है यूएस और यूके का क्या स्टैंड है अब इतने बड़े देशों के इतने पावरफुल कंट्रीज जो हैं दोनों के दोनों रशिया भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर है यूएसए और यूके भी हैं अब यूएसए और यूके ने अपना जो एम्बेसी का स्टाफ है उनको और उनके रिलेटिव और डिपेंडेंट्स को यह बता दिया है कि आप यूक्रेन छोड़कर वापस आ जाइए तो ये सिग्नल जो जा रहा है दुनिया में और यूक्रेन को और दुनिया के दूसरे देशों को वो यही है कि यहाँ पर कभी भी वॉर लाइक सिचुएशन हो सकती है अब क्या रशिया जो है ये एक विलन है टू बी ऑनेस्ट ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर कसूर जो है वो सिर्फ रशिया का है या फिर रशिया जो है वो दादागिरी कर रहा है ऐसा नहीं है रशिया ने कई बार बताया है कि ये जो नेटो है इसका ईस्टवर्ड एक्सपांशन उनके लिए सही नहीं है ईस्टवर्ड एक्सपांशन यानी कि यह जो यूक्रेन है इसकी मदद यूएसएस यूएसए कर रहा है अब ये इसकी हिस्ट्री है शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर के टाइम की बात है ये नेटो की स्थापना क्यों की गई थी ताकि यूएसए जो है और यूएसए के मित्र देश जो है वो यूएसए प्लस फ्रेंड्स वर्सेस यूएसएसआर यूएसएसआर को हैंडल करने के लिए नेटो क्रिएट किया गया अब नेटो जो है वो ग्रुप है चलो सही बात है रशिया इसको मानता भी है कि चलो नेटो जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है और वो यूएसएसआर के खिलाफ था और आज भी एक हद तक एक 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 कड़वाहट है एक प्रकार की कंपटीशन है उतनी इंटेंस नहीं है लेकिन है लेकिन फिर अगर आप रशिया की बॉर्डर के आसपास अपने बड़े बड़े वेपन्स को डिप्लॉय करेंगे तो फिर रशिया इस चीज़ को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है उसको भी मिसबिहेव करना ही पड़ता है तो यूक्रेन की डिफेंस और यूक्रेन को थोड़ा मजबूत करने की कोशिश जो है ये रशिया के लिए एक प्रोवोकेशन है और रशिया कहता है कि आप यहां पर मत आइए आपको जो करना है आप अपने एरियाज में कीजिए हमारी बॉर्डर के आसपास अगर आपने कुछ किया तो फिर हम भी चुप नहीं बैठेंगे और रशिया जो है मिलिट्री वाइज भी काफी स्ट्रांग कंट्री है इतनी ताकत है कि वो यूरोप को आई एम नॉट कि वो हरा सकता है वी डोंट नो कि इसका रिजल्ट क्या आएगा एंड लेट्स होप कि ऐसी कोई सिचुएशन ना आए लेकिन डेफिनेटली इतना स्ट्रांग तो है ही कि पूरे यूरोप में एक शॉक वेव आ जाएगी इकोनॉमी वाइज बात करें यूरोप का 40 परसेंट जितना नेचुरल गैस जो है वो रशिया प्रोवाइड करता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए रशिया और जर्मनी के बीच में एक नेचुरल गैस पाइपलाइन है इसका नाम क्या है बताइए स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन तो अगर 40 परसेंट जितना नेचुरल गैस यूरोप का रशिया प्रोवाइड करता है और वो लाइक सिचुएशन आ जाएगी तो वो बटन प्रेस करके ये सप्लाई बंद कर देंगे तो यूरोप की इकोनॉमी जो है उसकी हालत क्या हो जाएगी जस्ट इमेजिन तो नेटो को जो स्ट्रैटेजी चाहिए वो एक सोफेस्टिकेटेड स्ट्रैटेजी चाहिए टू डील विथ रशिया स्कोन जो है उन्होंने ये कहा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आज रशिया और चाइना दोनों दोस्त हैं तो हम कुछ ऐसा करें नेटो कुछ ऐसा करें वेस्टर्न वर्ल्ड कुछ ऐसा करें जिससे ये दोनों देश जो हैं रशिया और चाइना के बीच में दरारें पैदा हों और रशिया जो है वो हमारे साइड यानी कि वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ मिलकर काम करने लगे ये जो स्टेटमेंट है ये जो एनालिसिस है उनका ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसको एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है क्योंकि एज़ वी ऑल नो चाइना जो है वो किस प्रकार से भारत के साथ मिसबिहेव कर रहा है और सिर्फ भारत नहीं दुनिया के बहुत सारे देशों के साथ इस प्रकार की सिचुएशन जो है वो चाइना ने क्रिएट की है इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है टेक्नोलॉजिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है तो नाउ चाइना है स्टार्टेड मिसबिहेविंग विद अदर नेशंस आज एक टॉपिक भी है वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चाइना कि कैसे वो पहले बिहेव करता था अब कैसे बिहेव करता है उसमें एक बिग ये है और आया है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे तो व्हाट वी नीड टू डू व्हाट द वर्ल्ड नीड्स टू डू इज ड्राइव अ वेज बिटवीन मॉस्को एंड बेजिंग नेटवर्क नीड्स टू प्ले स्मार्ट हियर नेटवर्क को बहुत ही स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा वरना चीजें जो हैं वो वेस्टर्न वर्ल्ड के खिलाफ जा सकती हैं राइट right. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक एफ एस एस ए आई जी एम रेगुलेशन पुट्स हेल्थ इन ए सुप ये पायोनियर का एक आर्टिकल है एफ एस एस ए आई यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया अब एक नई स्कीम एफ एस एस ए आई लेकर आने की बात कर रही है और ये नई स्कीम ऐसी है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे फूड में वो हमारे खाने पीने की चीजों में अलाउ किए जाएंगे तो सबसे पहला प्रश्न यह है कि वॉट आर जीएम फूड्स दिस आर फूड्स दैट आर डिराइव फ्रॉम जेनेटिकली मोडिफाइड क्रॉप्स जीएम क्रॉप्स में से बनाए गए खाने पीने की आइटम को हम कहते हैं जीएम फूड्स नाव कंपनीज लाइक मोन्सांटो बेयर हैव डेवलप्ड पेटेंटेड क्रॉप्स वेराइटीज विच हैव जीन्स फ्रॉम टू डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स जीएम क्रॉप की बात करें तो दो अलग अलग जीवों में से और दो अलग अलग जीवों के जो जीन्स हैं उनको मिक्स करके अगर कोई क्रॉप बनाया है तो इस क्रॉप को हम कहते हैं जीएम क्रॉप इंडिया में सिर्फ बीटी कॉटन एक ही क्रॉप अलाउड है दैट इज बीटी कॉटन अब बीटी कॉटन जो है इसमें एक जीन एक टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग ग्राउंड बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है और इसको कॉटन प्लांट के साथ मिक्स किया गया और तब जाकर यह बीटी कॉटन बना दूसरे कुछ ग्लोबल पॉपुलर जीएम क्रॉप्स की बात करें तो सोयाबीन है कॉर्न है शुगर बीट्स कैनोला इस प्रकार के अलग अलग प्रोडक्ट्स जो हैं वो दुनिया के अलग अलग देशों में अलाउड है बहुत सारी ऐसी जी क्रॉप वाली कंपनी जो है वो यूरोपियन कंपनीज हैं लेकिन यूरोपियन यूनियन इन सारी आइटम्स को यूरोप में अलाउड नहीं करता है ये क्रॉप्स जो हैं वो अलाउड है और बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज़ ऐसे जीएम क्रॉप्स में डील करती हैं लेकिन जीएम फूड उन क्रॉप्स में से जीएम क्रॉप्स में से बनाया गया जीएम फूड जो है वो यूरोप में अलाउड नहीं है जीएम फूड का इस्तेमाल एनिमल फीड के लिए और बायोफ्यूर्स के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है और सिर्फ यूरोपियन यूनियन नहीं दुनिया के दूसरे ऐसे इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट और ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक प्रश्न उठाया है कि अगर हम जी फूड का इस्तेमाल करने लगे उसका कंजम्पन करने लगे और इनका ये कहना है कि जी फूड्स का इस्तेमाल अगर हम करने लगे तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज जो हैं वो इंसानों में आ सकते हैं अब हमारे देश की बात करें एफ का क्या कहना है कि अगर आप कोई ऐसा फूड है और उस फूड में जीएम कंटेंट फूड का इस्तेमाल एक परसेंट या फिर उससे कम मात्रा में अगर है वन परसेंट या फिर वन परसेंट से कम मात्रा में है तो लेबल में इसको लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है दूसरी चीज एफ रेगुलेटर ये भी कह रहे हैं कि ये जो जी फूड हैं ये बच्चे जो होते हैं नवजात शिशु इन्फेंट्स जो हैं उनके खाने में जीएम प्रोडक्ट्स अलाउड नहीं हैं तो एडल्ट के लिए यू आर सेंग अगर वन परसेंट से कम है तो अलाउड है और इतना अलाउड है कि आप ऊपर लेबल जो होता है उसमें भी लिखने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें जी एम ओ है या फिर जी एम फूड जो है उसका पोशन इसमें है ऐसे कुछ इंग्रीडियंट्स हैं जो जेनेटिकली मोडिफाइड आइटम्स में से बनाए गए हैं बच्चों की जब बात आती है इन्फेंट्स की तो आप कहते हैं कि ये अलाउड नहीं है बच्चों के फूड आइटम्स में जी एम ओ जो है वो अलाउड नहीं है तो प्रश्न ये उठता है कि क्या एफ जो है ये कुछ छिपा रहा है कोई ऐसी चीज़ है अब क्यों अलाउड नहीं है इसके भी क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड कीजिए 90s की बात करें लेट 90s की टू बी प्रिसाइज तो भारत में चीप जीएम सोयाबीन ऑयल इंपोर्ट जो हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होने लगा और इसकी वजह से हमारे देश के जो मस्टर्ड फार्मर्स हैं उनकी हालत खराब हो गई उनकी मार्केट जो है वो पूरी टूट गई थी लेकिन आज अगर हम देखें तो ये हमारी हमारी फूड आइटम में फिर उसके ऊपर एक प्रकार से आप कह लीजिए कि फिर रेस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश की ये सारे इश्यूज़ फिर उसके बाद काफ़ी विवाद भी हुआ था आज अगर हम देखें कि क्या हमारे देश में जो बीटी कॉटन है दैट इज़ अलाउड हम सोचते हैं इसके कॉटन में से तो कपड़े बनाएंगे और फिर इसका तो कोई नुकसान नहीं है एनवायरमेंट में नुकसान हो सकता है बट अगर सरकार ने इसको अलाउ किया है तो एक थर्मो एनालिसिस के बाद ही अलाउ किया होगा ऐसा हम ऐसी हम एक्सपेक्टेशन सरकार के ऊपर रख सकते हैं द मेन थिंग इज कि विनो के कॉटन ऑयल कॉटन सीड ऑयल भी आज मार्केट में अवेलेबल है और ऐसे बीटी कॉटन सीड ऑयल जो हैं वो बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल हो रहा है और इसकी इम्पैक्ट हमारे हेल्थ के ऊपर क्या होगी वी डोंट नो एफ और जी दोनों ने जी एम ओ कॉटन सीड और नेचुरल कॉटन सीड को सेम माना है ये जो आर्टिकल लिखा है राइटर uh, ने एक यू uh, नो you know, एक आरटीआई uh, के माध्यम से फाइंड आउट करने की कोशिश की तो पता चला कि एफ और जी ई एस दोनों जीएम कोटन सीट को सेम मानते हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं मानते कि नेचुरल और जीएमओ दोनों सेम है ऐसा बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है बट देन इज वेल ये ये चल रहा है एक टॉप लेवल के ऊपर एज यू कैन सी दूसरी चीज ये राइटर ये कहते हैं कि जब उन्होंने इस चीज को फर्दर इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि जो बायो सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स जी ने सबमिट किए हैं तो ये मैनसेंटो लैब्स के हैं कि एक प्राइवेट कंपनी जो है ये कंपनी जो भी एक सेफ्टी और वो उन, उनके द्वारा बनाया गया जो डॉक्यूमेंट है वही डॉक्यूमेंट आप वेबसाइट में यूज़ कर रहे हैं खुद की इंडिपेंडेंट बायोसेफ्टी प्रोसीजर जो है वो एफ और जी ने की ही नहीं और प्राइवेट कंपनी का डेटा जो है वो यूज़ करके वेबसाइट में उन्होंने कॉपी पेस्ट कर यूरोपियन यूनियन जीएम फूड अलाउ नहीं करता और यूरोपियन यूनियन के कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से बहुत ही ह्यूमेन लॉज उनके होते हैं एनिमल के प्रति भी जो लॉज़ हैं वो भी काफ़ी एक एक प्रकार से आप कह सकते हैं काफ़ी एथिकल और काफ़ी सोच समझ कर चीज़ों को काफ़ी अच्छे से डिस्कस करके वो रूल्स बनाते हैं तो एक अच्छा बेंचमार्क सेट करते हैं और यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ही फूड अलाउ नहीं कर रहा है तो इट शुड बी अ रेड फ्लैग फॉर अस कि क्यों हम इस चीज़ को अलाउ करने की बात कर रहे हैं। ए बहुत सारी ऐसी चीज़ों को अलाउ करता है राइट अब यू की ही ये सारी बड़ी कंपनीज हैं और वो अलाउ कर रहा है अब देखिए उनको ब्लाइंडली फॉलो करना हमारे लिए सही नहीं है इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम यहाँ पर प्रॉपर सर्च करें प्रॉपर रिसर्च करके उसके बाद ही चीज़ों को अलाउ करें और ये जो मॉन्सेंटो और बेयर नाम की कंपनीज हैं तो इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो विक्टिम्स को राउंड अप पॉइजनिंग में दिए हैं राउंड अप इज़ ए पेटेंटेड हर्बिसाइड यूज टू ग्रो जीएम क्रॉप्स एंड इज़ नोन एज कार्सिनोजेनिक कार्सिनोजेनिक यानी कि ये कैंसर हमारे हमारे शरीर में कैंसर क्रिएट कर सकता है ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने की वजह से ये कंपनीज ने बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो हैं वो कॉम्पनसेशन में दिए हैं तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल और जिस प्रकार से एफ एस एस ए आई बिहेव कर रहा है जो हमने उनकी वेबसाइट के बारे में बात की तो ये लग रहा है कि ये किसी कोई कॉरपोरेट के इशारों पर या फिर अमेरिका के इशारों पर नाच रहा है ऐसा नजर आ रहा है बाई गोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर आर्टिकल नेक्स्ट आर्टिकल द हिंदू न्यूज पेपर का है इंडिया नीड्स ए नेशनल विजन आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है इनका नाम है एल्फ्रेड टी मेहन द ग्रेट नेवल स्ट्रेटजिस्ट जॉन कीगन ने कहा है कि नाइनटींथ सेंचुरी में अमेरिका के सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई स्ट्रेटजिस्ट थे तो वो थे एल्फ्रेड टी मेहन तो उनका एक इंसिडेंट है उन्होंने कहा कि ऑल द वर्ल्ड नोज जेंटलमैन दैट वी आर बिल्डिंग ए न्यू नेवी वेल व्हेन वी गेट अवर नेवी व्हाट आर वी गोइंग टू डू विथ इट ये प्रश्न पूछा था 1982 में एक वॉर कॉलेज में यूएस नेवल वॉर कॉलेज में ये प्रश्न पूछा एल्फ्रेड टी मेहन ने के पूरी दुनिया जानती है कि हम एक नई नेवी डेवलप कर रहे हैं लेकिन जब हमारी नेवी बन जाएगी तो उसके बाद हम उसका क्या करेंगे तो ये प्रश्न इसलिए पूछा कि एक विजन होना चाहिए एक देश का एक नेशनल विजन होना चाहिए कि आज जो हम कर रहे हैं तो आने वाले पांच साल दस साल पंद्रह साल के बाद हम कहां पर पहुंचेंगे क्या हमारा एक लॉन्ग टर्म लक्ष्य है अब टाइटल सही आपको पता चल गया है कि इंडिया नीड्स ए नेशनल विजन यानी कि भारत के पास फिलहाल कोई ऐसा फिक्स नेशनल विजन नहीं है देर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम चाइना चाइना जो है वो एक लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म टारगेट्स लेकर चलता है पास्ट में मैंने कई बार ये बताया है आपको कि चाइना की एक आदत भी है कि वो बड़े बड़े खास करके उनकी जो पॉलिटिकल गैदरिंग होती है ये कम्युनिस्ट पार्टी की जो मीटिंग्स होती है साल में तो वो बड़े बड़े टारगेट्स रखते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोज कि वो बड़ी ह्यूब्रिज यू नो बड़ी बातें है करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे एक्सेट्रा लेकिन फिर रियालिटी कुछ अलग होती है नो वी आर टॉकिंग अबाउट द थिंग्स दैट चाइना विल अचीव यहाँ पर जो बड़े बड़े वादों वादों की बात नहीं हो रही है रिटोरिक नहीं है यहाँ पर यहाँ पर वे सारी चीजें हैं जो चाइना अचीव कर लेगा 2015 की बात है चाइना ने एक मेड इन चाइना 2025 डॉक्यूमेंट रिलीज किया और यह 10 सालों का एक प्लान था कि 10 सालों के अंदर 10 ऐसे की हाईटेक इंडस्ट्रीज हैं जिसमें चाइना जो है वो फॉरेन डिपेंडेंस को रिड्यूस करेगा उसका टारगेट यह था कि 2025 ट्वेंटी फाइव तक सेवेंटी परसेंट जितने हाईटेक सेक्टर्स में सेवेंटी परसेंट सेल्फ सफिशियंसी चाइना अचीव करें एंड टू अचीव डोमिनेंट पोजिशन ग्लोबली बाई ट्वेंटी जो जब चाइना की ये चाइना के जन्म का जन्म के जब 100 साल पूरे हो जाएंगे तब तक चाइना जो है ये 2025 में 70 परसेंट सेल्फ सफिशेंट हो जाएगा इन टेन सेक्टर्स में और उसके कुछ लगभग 25 फाइव ईयर्स के अंदर चाइना जो है वो एक डोमिनेंट पोजीशन पर ग्लोबल डोमिनेंट पोजीशन तक पहुंच जाएगा तो ये एक उनका एक लॉन्ग टर्म विजन है डिफेंस पेपर की बात करें डिफेंस वाइट पेपर की तो चाइना ने 2019 में यह कहा कि 2035 का एक टारगेट रखा है कि तब तक चाइना की फोर्स जो है ये मॉडर्नाइज हो जाएगी मॉडर्नाइजेशन ऑफ नेशनल डिफेंस एंड द मिलिट्री और 2049 तक एक वर्ल्ड क्लास फोर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी चाइना की मिलिट्री चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी री एम्फेसाइज गोल टू बिकमिंग ए मॉडर्न सोशलिस्ट सोसाइटी बाई ट्वेंटी कि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें देखिए पहला जो ये था ये इकोनॉमी के साथ था द वन इज अबाउट अबाउट मिलिट्री द थर्ड वन इज सोसाइटी के 2049 तक चाइना जो है ये मॉडर्न सोशलिस्ट सोसाइटी में कन्वर्ट हो जाएगी वेस्टर्न नेशंस टू पीरियोडिकली रिलीज विजन डॉक्यूमेंट्स डिफेंस रिव्यूज सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज एट ऑल यानी कि अलग अलग ऐसी चीजें भी वो वेस्टर्न नेशंस जैसे कि यूके यूएसए फ्रांस जर्मनी एक्सेट्रा वो भी इस प्रकार के विजन डॉक्यूमेंट्स को रिलीज करते हैं फॉर एग्जाम्पल जब कोल्ड वॉर की जो हम बात कर रहे थे यू और यू के बीच में तो उस टाइम पर यू जो हैं ये एस्ट्रोनोट्स उनके जिनको वो कॉस्मोनोट्स कहते थे तो स्पेस टेक्नोलॉजी में यू जो है वो यू से आगे था और उन्होंने कुछ अपने लोगों को भी स्पेस पर भेज दिया था और बहुत सारे मिशंस वो लॉन्च कर रहे थे तो यू को कॉम्पीट करने के लिए U.S.A. के जो प्रेसिडेंट उस वक्त के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी साहब उन्होंने 1961 में एक टेन ईयर का प्लान तैयार किया उन्होंने एक डेट फिक्स की एक ईयर फिक्स किया और कहा कि जो साइंटिस्ट्स हैं उनको दस सालों के अंदर कुछ भी करके मून तक इंसान को पहुँचाना है और ये गोल जो है वो अचीव भी कर पाया क्योंकि उन्होंने फिर फाइनेंशियली और दूसरे तरीके से जो भी सपोर्ट चाहिए टेक्नोलॉजी का सपोर्ट ये सारी चीज़ें जो हैं वो साइंटिस्ट साइंटिफिक कम्युनिटी को और इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड की और फिर यू जो है वो मून पर जा सका जो पहला इंसान वहाँ पर गया एस वी नो आमस्ट्रोंग राइट नील आमस्ट्रॉन्ग वहाँ पर गए और वो सारी चीज़ें पूरी दुनिया को पता है तो क्योंकि एक टारगेट रखा था तो वो अचीव कर पाया अब भारत की बात करें तो भारत ने 2018 में ये अनाउंस किया कि हम 2022 में एस्ट्रोनॉट्स को वहाँ पर भेजेंगे मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है वी आर केपेबल ऑफ डूइंग इट वी कैन अचीव दिस फॉर श्योर लेकिन मिशन जो है उसके क्या क्या स्टेजेस रहे हैं कहाँ पर हम पहुँचे हैं ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें पता होनी चाहिए अगर आप स्पेस लॉन्चेस की बात करें तो भारत ने 2021 में दो स्पेस लॉन्च किए और इसमें एक फेल रहा एक सक्सेस रहा उसी वक्त चाइना ने 47 जितने लॉन्च किए हैं राइट एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया चाइना ने इंडिया मस्ट लर्न फ्रॉम चाइना इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर हम हमारे ऐसे कॉम्पिटिटर या फिर एक दुश्मन देश से अगर चीजों को सीखते हैं तो दिस इज समथिंग दैट वी कैन मीन्स ऑब्जर्वेशन से हम नॉलेज एक्वायर करें दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स राइट अब चाइना की हिस्ट्री में अगर जाए तो नाइनटीन की बात है जब चाइना ने जैसे भारत ने नाइनटीन में रिफॉर्म्स किए तो वैसे ही रिफॉर्म्स जो हैं वो चाइना ने लेट सेवेंटीज़ और अर्ली uh, एटीज़ में रिफॉर्म्स की शुरुआत हुई और उस टाइम पर जो डेन जियोपिंग थे उनके प्रीमियर तो उन्होंने ये कहा हाइड योर कैपेबिलिटी एंड बाइड योर टाइम यानी कि अभी आप स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो अभी आप क्या कीजिए आप अभी अपनी क्षमताओं को और ज़्यादा मजबूत कीजिए अभी आप और ज्यादा मेहनत कीजिए अभी किसी के साथ लड़िए झगड़िए मत जब वक्त आएगा तब दुनिया को पता चल जाएगा कि हु इज द लायन इन द जंगल अभी आप छोटे से एक बच्चे हैं यू you नो know? तो ये एक स्ट्रैटेजी जो है वो चाइना ने फॉलो किया और एक लंबे समय से चाइना जो है कॉन्फ्रेंट्रेशन और ये सारी चीज़ों से दूर रहता था लेकिन अब चाइना को पता चल गया है कि इट्स लाइक ए फुल्ली ग्रोन मेल लायन राइट अब मिसबिहेविंग आप कर सकते हैं अब बताने की ज़रूरत नहीं है अब आप निकलेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि एक टाइगर जा रहा है या फिर एक मेल लायन जा रहा है तो ये अब उनको पता है एंड दैट्स स्पॉट दे आर डूइंग नाउ राइट और कोई भी देश ऐसा ही करता है और ह्यूमन बींग्स में भी ये एटीट्यूड आपको देखने को मिलता है तो दिस स्पॉट चाइना इज़ डूइंग हमारे देश में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें हम काफ़ी अच्छा करें जैसे कि यू ए की बात करें ड्रोन इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी एक्सपांड हो रही है रडार्ज और मिसाइल्स और इन सारी चीज़ों में डी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है नो डाउट अबाउट इट लेकिन हमें और एक अच्छी तरीके से इन चीजों में आगे बढ़ने की आवश्यकता है अगर हम हमारी जो जो एक जो कहते हैं ना कि सबसिस्टेंस सबसिस्टेंस यानी कि हमारा जो एक, एक एक हमारी रोजी रोटी है या फिर जो हमारा सर्वाइवल है बेसिक सर्वाइवल ये जब तक सिक्योर नहीं हो पाएगा तब तक हम हायर लेडर्स पर जो हैं वो अच्छी तरीके से अपने पैर नहीं जमा पाएंगे जब हम कहते हैं कि हम ग्लोबल या फिर वर्ल्ड की फार्मेसी हैं दुनिया की सबसे बड़ी जो मेडिसिन प्रोड्यूसिंग कंपनीज जो हैं वो हमारे देश में हमारी कैपेसिटी इतनी ज्यादा है और जब कोविड आया और फिर पता चला कि हम हमारे दोस्तों तक भी दवाई नहीं पहुंचा पाए कुछ दोस्त मित्र देशों को दवाई पहुंचाने की कोशिश हमने की थी लेकिन बाद में क्या हुआ सेकेंड वेव आ गई और हमें ही वैक्सीन की आवश्यकता रही और फिर हम ग्लोबली सप्लाई नहीं कर पाए तो फिर उस टाइम पर जो है वो ऐसे जब आप राइट right टाइम पर रिजल्ट डिलीवर नहीं कर पाते तो फिर आपके ऊपर जो विश्वास है दूसरे देशों का ये वीक हो जाता है तो फिर हम हमें यू you नो know, एक जुगाड़ का स्टेटस मिल जाता है और बहुत सारी चीज़ों में ऐसा ही है अनप्लान मैनर से अगर हम आगे बढ़े तो फिर एंड ऑफ द डे जुगाड़ ही याद में आ कारगिल मुंबई फिर डोकलाम उरी पुलवामा ये सारे इंसिडेंट्स जब हुए उसके बाद हम तुरंत ही मार्केट में निकल गए कुछ सामान खरीदने के लिए कुछ बंदूकें खरीदने के लिए कुछ हेलीकॉप्टर्स खरीदने के लिए कुछ फाइटर जेट्स खरीदने के लिए एक्सेट्रा तो इस प्रकार से जब भी हमें कोई चोट लगेगी उसके बाद हम यू you नो know, कुछ ऐसे डिफेंस प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए जाएंगे दिस इट सेल्फ इंडिकेट्स कि हमारे पास कोई ऐसा खास ठोस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी या फिर प्लान नहीं है वी नीड ए डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए जो मल्टी सेक्टोरल हो जो मल्टी मल्टी मिनिस्ट्रियल हो और अलग अलग क्षेत्र जैसे कि सोसाइटी पॉलिटी मिलिट्री वाइज इकोनॉमी वाइज टेक्नोलॉजी वाइज एजुकेशन वाइज हमारे देश हमारा देश कहाँ पर है और कहाँ पर जाना चाहता है तो ऐसे एक स्ट्रेटजी हमें ऐसा एक प्लान तैयार करना चाहिए और इसके लिए प्रॉपर एक्सपर्ट्स को बिठाकर एक प्रॉपर प्लान तैयार होना चाहिए दूसरी चीज ये जो गोल्स हम सेट करें यह रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए बड़ी बड़ी बातें कह देना और लिख देना इट्स गुड थिंग ईजी थिंग नॉट गुड थिंग बट इट्स ईजी बट उसको एग्जीक्यूट करना फिर इंपॉसिबल जा, हो जाता है और दोनों पार्टीज जो भी डोमिनेंट पार्टीज हैं फिर ऐसा ना हो कि अभी बीजेपी का राज चल रहा है तो बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट फिर बीजेपी चली जाए और कांग्रेस आए या फिर कोई और पार्टी आए तो फिर वो चेंजेस कर ऐसा नहीं होना चाहिए एक देश का होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का विजन डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर बात नहीं हो रही है तो अगर चाहिए हमें तो दोनों पार्टीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को बिठाकर फिर उनके सजेशन्स और ये सारी चीज़ें की जा सकती है ताकि फ्यूचर में कभी भी इसमें कोई ऐसे नेगेटिव बदलाव ना आए मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे ऑल इंडिया एनवायरमेंट सर्विस ये ट्रिब्यून का आर्टिकल है हमारे देश में एनवायरमेंट को लेकर जो डिसीजन लिए जाते हैं वो ज्यादातर इंप्लीमेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट के द्वारा कम और जुडिशियरी के द्वारा ज्यादा होते हैं जुडिशियरी को ही एक स्टैंड लेना पड़ता है और ऐसा नहीं है जुडिशियरी का, का काम यह नहीं है कि वो एनवायरमेंट के पीछे और इन सारी चीजों के ऊपर नजर रखे जुडिशियरी का मेन काम तो यही है कि अगर कोई डिस्प्यूट है अगर कोई इश्यू है तो फिर जुडिशियरी के पास जाए और जुडिशियरी उसको सॉल्व करे लेकिन अब ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट भी थोड़ी चिलैक्स हो गई है और लगता है कि जो एनवायरमेंट के इश्यूज हैं वो फिर जुडिशियरी सॉल्व कर लेगी एंड दिस इज नॉट राइट एनवायरमेंट ये एक अच्छी बात बिल्कुल नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रश्न पूछा है कि क्या हमारे देश में एक ऑल इंडिया एनवायरमेंट सर्विस होनी चाहिए एक पीआईएल फाइल की गई थी और एक टीएसआर एस आर सुब्रमण्यम कमिटी गठित की गई थी और इस टीएसआर एस आर सुब्रमण्यम कमिटी ने यह रिकमेंडेशन दिया था कि हमारे देश में एक ऑल इंडिया एनवायरमेंट सर्विस होनी चाहिए लेकिन उस टाइम पर फिर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने इस रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर दिया था इन इनके इनफैक्ट रेकमेंडेशन को ही रिजेक्ट कर दिया था और ये बताया था कि हमारे पास ऑलरेडी ऐसी बहुत सारे इंस्टीट्यूशनस हैं तो इतने सारे इंस्टीट्यूशन के बाद फिर आप एक और इंस्टीट्यूशन क्रिएट करेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा यस yes, हमारे देश में हमारे पास एक डेडिकेटेड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी है लेकिन क्या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एनवायरमेंट के साथ हो रहे नेगेटिव चीजों को या फिर एनवायरमेंट में जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उनको रोकने में सक्षम है इनका जो मेन काम है ये फॉरेस्ट को बचाना है फॉरेस्ट इज पार्ट ऑफ एनवायरमेंट लेकिन फॉरेस्ट इज इज नॉट एनवायरमेंट यू नो बोट आई मीन एनवायरमेंट उससे एक बड़ी चीज है एक एक बड़ी अम्ब्रेला है जिसके अंदर फॉरेस्ट आता है अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वी नीड क्या हमें चाहिए एक ऑल इंडिया एनवायरमेंट सर्विस अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर डिबेट डिस्कशन हो सकती है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट को ही सारे स्टैंड्स जो हैं वो लेने पड़ते हैं और इसके अलावा भी फॉरेस्ट सर्विस के अलावा वी हैव एनजीटी हैं कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट हैं तो इनको हमने क्यों क्रिएट किया या फिर इनको क्रिएट करने की आवश्यकता क्यों हुई इसलिए हुई क्योंकि फॉरेस्ट सर्विस जो है वो ये सारी चीज़ों को हैंडल करने की क्षमता भी नहीं है और फॉरेस्ट सर्विस का ये काम भी नहीं है तो अलग अलग मल्टीपल एजेंसीज अगर है हमारे देश में हैं तो इसमें इतना भी कोई बुरा बुरी बात नहीं है और ऐसा नहीं है कि अगर आप ऑल इंडिया एनवायरमेंट सर्विस क्रिएट करेंगे तो फिर बाकी की एजेंसीज का कुछ काम नहीं रहेगा नहीं कोऑर्डिनेशन से एक दूसरे के साथ मिलकर एक लार्जर लेवल पर काम जो है वो किया जा सकता है लेकिन उसके लिए चाहिए रिसोर्स ग्राउंड रियालिटी अगर हम देखें तो आज फॉरेस्ट सर्विसज़ को ही आप देख लीजिए क्या फॉरेस्ट सर्विसेज के पास इनाफ़ स्टाफ हैं क्या फ़ॉरेस्ट सर्विसेस के पास इनाफ रिसोर्स हैं कि वो हमारे जंगलों की और जंगलों में रहने वाले जो भी हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं और बायोडाइवर्सिटी हैं उसकी उसकी पूरी रक्षा कर सके आप ही आप ही देखिए आप ही ऑब्ज़र्व कीजिए और देखिए कैसी सिचुएशन है रिपोर्ट्स आते हैं कि जंगल जो है वो एक्सपांड हुए हैं लेकिन नेचुरल एक जंगल जो एक्सपांड होता है और मैन मेड जंगल जो अर्बन जंगल्स हम बनाते हैं या फिर जो ह्यूमन बींग्स कुछ प्लांट्स कुछ खाली जगहों पर सीड्स डाल देते हैं और उनको ये मान लेते हैं हम कि वहाँ पर छोटे छोटे पौधे उग जाए और सोचते हैं कि हमने जंगल क्रिएट किया दैट इज़ नॉट जंगल जंगल जो हैं उसका एक लेवल ऑल टुगेदर डिफरेंट है वो कुदरत ने बनाया है नेचर ने बनाया है वी कैन नॉट बीट दैट राइट आज हम कितने भी मॉडर्न हो गए हो कितने भी साइंटिफिक टूल्स हमारे पास हो क्यों ना हो लेकिन जो एक नेचुरल इन्वायरमेंट है एक नेचुरल फॉरेस्ट जो है उसकी जो एक डाइवर्सिटी है उसको हम कभी भी मैच नहीं कर पाते हैं और नहीं कर पाएंगे तो मुझे तो लगता है कि हाँ हमारे देश में एक ऑल इंडिया एन्वायरमेंट सर्विस होनी चाहिए एक रोबस्ट तरीके से ये काम कर सके ओवरऑल एक अम्ब्रेला की तरह देश के एनवायरनमेंट की देखभाल करे ऐसी एक अगर सर्विस हम क्रिएट करते हैं और सभी के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ अगर ये काम करने वाली सर्विस है तो क्यों नहीं वी शुड क्रिएट इट बिकॉज़ क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियलिटी और क्लाइमेट चेंज रिस्क रिपोर्ट भी ये कहता है कि भारत ये क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे प्रभावित होने वाले देशों में टॉप फाइव देशों में से एक देश है अब न्यूज़ की बात करें तो टमोरोज़ रिपब्लिक डे सेवेंटी थर्ड रिपब्लिक डे टू बी प्रिसाइज और आज उसकी ईव ईव यानी कि जो अगली शाम होती है तो ये एक प्रथा है कि हमारे प्रेजिडेंट साहब जो हैं वो देश को एड्रेस करते हैं तो प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद जी इज़ गोइंग टू एड्रेस द नेशन ऑन द ईव ऑफ सेवनटी थर्ड रिपब्लिक डे ट्वेल्थ नेशनल वोटर्स डे को आज सेलिब्रेट किया जा रहा है और हंड्रेड uh, एंड हंड्रेड एंड करोड़ वैक्सीन डोजेस एडमिनिस्टर किए गए है। हैं गवर्नमेंट लॉन्च रिवेंड सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप और यहां पर देखिए हम विजन डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने पांच साल का एक रोड मैप और विजन डॉक्यूमेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए रिलीज किया है कल्चरल मिनिस्ट्री ने एक रंगोली उत्सव जिसका नाम है उमंग इसको सेलिब्रेट किया ऑन द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो येस्ट था यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल होल्ड फ्रूटफुल मीटिंग विद फ्रेंच जी ट्वेंटी शेरपा इमेन्यूअल बोन कोविड नाइनटीन पेंडेमिक में गेट ओवर इन यूरोप आफ्टर ओमिक्रोन एंड ऐसा कहा है डब्ल्यू एच ओ ने और इसके अलावा कुछ दूसरी न्यूज आइटम्स हैं डिफरेंस कल जो मैंने आपको प्रश्न पूछा था उसका आंसर है नेस्कोम एंड जिनोव आज आपके लिए एक नया प्रश्न है अमर जवान ज्योति जो है इसको इनोग्यूरेट क्यों किया गया था उसके पीछे कौन सा हिस्टोरिक इवेंट उसके पीछे काम करता है या फिर उसकी वजह से हमने इस अमर जवान ज्योति को इनोग्यूरेट किया और आपके लिए एक आंसर राइटिंग का क्वेश्चन है राइट सेलियंट फीचर्स ज ए टाइपिंग एर राइट सेलियंट फीचर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ वेटेनरी सर्विस मोबाइल वेटेनरी यूनिट इसके कुछ सेलियंट इंपॉर्टेंट फीचर्स को आपको लिखना है आप इसको कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जो है वो लिख सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल्स वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन थोड़ी देर में आपको फाइनेंशियल News analysis wala video b education channel par mil jayega. and uh, please share this video with other students uh, thank you very much for watching this video thank you very much for your love and support God bless you all always Jai Hind.